अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर मैं बुशरा बीबी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ आ जाए या उनके सियासी मुखालफीन जो हैं तहरीक इंसाफ के, उसके ऊपर वो कोई बहुत शोर शराबा भी करें तो गुरेज करता हूँ। एक मौके के ऊपर मुझे वो अलकादर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दिखाने पड़े जिसमें उनका नाम आता था, लेकिन मैंने उस खबर के हवाले से इंतज़ार किया कि जब तक मेरे पास दस्तावेज़ात ना हो मुझे उसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और दस्तावेज़ात देखें तो उसमें इमरान खान तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के हेड थे ही, उन्होंने मेंबर के तौर पर बुशरा बीबी को और फरा को डाल दिया, जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और कोई भी रूहानी मामला हो तो आप रियाज मलिक से ज़मीन लेकर तोहफे में या जैसे भी, उसके ऊपर कोई रूहानियत तो नहीं आप उस्तवार कर सकते। तो मेरा उस मसले के ऊपर उनसे काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ। इमरान खान को एक दो और इशूज़ के ऊपर भी मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता किसी भी लिहाज से। एक, जलसों के अंदर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासी मकासद हासिल करना, मेरा इससे असूली इख्तलाफ है, जो भी करेगा मैं उसकी मुखालफत करूँगा। और दूसरा, सियासी बयानियों को वो रंग देना जिससे मुल्क में फसाद वाली कैफियत हो जाए। बहुत से लोग इस हवाले से उनका साथ दे रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग भी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि यहाँ आपको तसल्ली होनी चाहिए जब हम यहाँ बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि हम फसाद की वो शक्ल सामने ले आए जिससे हमने अरब दुनिया के अंदर अरब स्प्रिंग होते देखी थी। पाकिस्तान में हुकूमतें बनने में और गिरने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत मौसर रोल पिछले तवील अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ जब से इस प्रोफेशन में। ये झूठ होगा कि कहें कि उनका हुकूमतें बनने में और गिराने में कोई रोल नहीं, बिल्कुल बहुत झूठ होगा, मैं ये ऑन एयर नहीं कह सकता। इमरान खान की हुकूमत के बनने में भी उनका रोल था, अगर जाने में रोल था तो उनके बनने में भी रोल था। इसी तरीके से नवाज शरीफ की IGI से पहले से जनरल जिलानी लाए थे, ज़िया निसाद दिया था, वो कहानी छोड़ भी दें तो IGI वाला पूरा फार्मूला जो था जिसमें नवाज शरीफ को खड़ा किया गया था पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, ऐसे ही इमरान खान को खड़ा किया गया था नवाज शरीफ के मुखालिफ। तो बहुत बेहतर हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो अब खुद को न्यूट्रल कहती है वो एक्चुअली न्यूट्रल हो भी जाए और किसी इमरान खान को, किसी नवाज शरीफ को किसी बेनज़ीर के खिलाफ या किसी नून लीग के खिलाफ खड़ा करने के लिए उसका सहारा ना बने, उसको वो बिसाखियाँ ना दे। लेकिन बुशरा बीबी की तरफ वापस आता हूँ, बुशरा बीबी, मेरा उनकी फैमिली से ताल्लुक है इसलिए मुझे बोलने से गुरेज होता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, और कुछ अरसे से बड़ा अच्छा ताल्लुक है और मैं उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। दो राय नहीं है इसलिए जो चीज़ होती है सच ऑन एयर बोलता हूँ कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अभी भी करता हूँ, उसमें अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई है। एक ऑडियो सामने आई है जिसके ऊपर मेरे चैनल ने भी मुझे कहा कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने परहेज़ किया। फिर बहुत सारे जो हमारे मीडिया के साथी हैं उन्होंने भी मुझे कॉल भी की, मैसेजेस भी किए, लेकिन मुझे था कि मैं अपने प्रोग्राम में ही बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय कोई और रंग उसको कोई और शक्ल दे दे। अगर मैं अपनी असेसमेंट के ऊपर बताऊँ कि ये जो ऑडियो के ऊपर जो चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं कोई ऑडियो का या वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ जो राय दे सकूँ कि ये जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया, लेकिन उनके इब्तदाई जुमले सुन के जो मेरा तासुर यही है कि उनके इब्तदाई जुमले कम अज़ कम शुरू वाले चंद एक जुमले वो बुशरा बीबी के ही लहजा है, उन्हीं की आवाज़ लगती है। आगे जाके मेरे डाउट्स हैं, हो सकता है कि उसके कुछ चीज़ें जोड़ी गई हों, लेकिन शुरू वाले चंद एक जुमलों के ऊपर मुझे एटलीस्ट फर्स्ट रिएक्शन, मैं देखता हूँ जितनी दफ़ा सुनता हूँ तो मेरा रिएक्शन यही है कि उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं का ही लहजा है, मैं एटलीस्ट डाउट नहीं करता इस चीज़ को। मैंने कुछ और भी, एक कॉमन फ्रेंड समझ लें जो उनकी फैमिली से भी वाकिफ़ है, उनसे भी मैंने पूछा तो उनकी भी राय मेरे से मुख्तलिफ नहीं थी। तो यहाँ तक मैं इस बात को रोकूंगा, लेकिन इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। मैं नदीम मलिक नहीं कह सकता कि चार जुमले सही हैं और छः जुमले में मुझे शक है। इसके फैसले के लिए एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार इख्तियार करते हुए इस पर मट्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अहलिया की रिकॉर्डिंग है, उनके घर से की गई होगी। मैं कहूं कि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड होता है, कोई और कोई शख्स कहे तो हमारी तो कोई आवाज़ सुनता नहीं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म का अपना या उसकी अहलिया का फ़ोन भी महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान में किसी का फ़ोन भी महफूज नहीं है। दूसरा, उनके सियासी रोल के ऊपर सवालात आ जाते हैं दोनों के ऊपर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए थी, इंटरनली भी और मीडिया के ऊपर भी, लेकिन आम तौर पर सियासी जो लीडर है किसी भी जमात का, उसके आगे वो मियाँ मिठू की तरह आके सारे बोल तो सकते हैं लेकिन उसको क्वेश्चन करने की सलाहियत किसी के अंदर भी नहीं है। एक और ख़बर ये है, और वो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट साथी ब्यूरो में काम करते हैं वो उसके ऊपर काफ़ी कन्विंस है कि उसके ऊपर भी कुछ एविडेंस शवाहद मौजूद हैं इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू के हवाले से। मेरे पास शवाहद नहीं है, ना मैंने कोई वीडियो या ऑडियो देखी है, लेकिन मेरे सीनियर ऐसे साथी हैं जो कन्विंस हैं कि ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि इमरान खान और आज़म खान के माबैन बातचीत हुई, कि बाकी चीज़ें तो अब रही नहीं हैं, ये थादीवादी भी साथ छोड़ गए हैं, तो
तो ये सिर्फ एक साइफर जो मरासला एक उसी का सहारा रह गया, इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी चीज़ भी है और किसी वक्त सामने आ जाए तो ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज़ होगी कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी उसका या डिटेल्स या शवाहद या एविडेंस उसकी भी मौजूद है। और ये चंबा नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जलसों में खड़े होकर इंटरव्यूज़ के अंदर खुद कहते थे कि इसका डर उसको होता है जो चोरी करता है, जो चोर होता है ना उसको डर होता है। ISI को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और IB भी रिकॉर्डिंग करती है, तो मैं तो ईमानदार आदमी हूँ इसलिए इस रिकॉर्डिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मजबूत होती है। तो अब उनकी ईमानदारी का इम्तहान ये होगा कि वो खुद जाएँ सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त डालें, ये मैं इमरान खान से मुतालबा कर रहा हूँ, किसी और हुकूमत से नहीं कर रहा, और कहें कि ये आई है बुशरा बीबी की ऑडियो, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और इससे पहले जो ऑडियोज़ आई थी जिसमें मरियम की रिकॉर्डिंग्स थी, खुद PTI वालों ने बड़ी खुशी से रिलीज़ करवाई थी, बड़ी खुशी से, जो उनके मीडिया के लोग थे वो ऐसे वो बगले में जाते थे उन दिनों कि बस ना ही पूछें कि वो उनके क्या नई चीज़ उनको दरियाफ्त कर ली, एक और आने वाली है, एक और आने वाली है, आज उनको दिफा करते हुए मुश्किल पेश आ रही है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। इसी तरीके से रियाज मलिक की आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू की जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई उसके ऊपर तहकीकात करके बताएं कि वो कैसे रिकॉर्ड हुई, क्या इसका कोई पाकिस्तान में कानून है या कानून नहीं है। ये वो सवालात हैं जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ उस सारे चीज़ को जो बुशरा बीबी के हवाले से है, लेकिन जो ऑडियो लीक आई हमारे सामने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने उसके ऊपर आज एक इंटरव्यू किया था, मैंने एक इंटरव्यू बुशरा बीबी का जो वीडियो के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग है वो हमारा ही किया हुआ, नदीम मलिक लाइव का एक इंटरव्यू, उसे हमने उसको क्रॉस मैच किया है कुछ उनके जुमलों को, ये देखने के लिए कि लबो लहजे के अंदर कहीं मुमासलत नज़र आती है। मैं बोलूँगा तो आपको मेरी आवाज़ सुन के शायद शक्ल ना भी देखें तो पता चल जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो रेडियो से वाबस्ता रहे हैं या इस तरह के प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हैं या एडिटिंग करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी भांप लेते हैं कि कोई लफ्ज़ या कोई जुमले की डिलीवरी कहाँ पर है, पॉज किसने कैसे किया, स्ट्रेस कहाँ पे किया, उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे वो प्रोड्यूसर्स ने कुछ जुमले निकाले हैं उस ऑडियो लीक से भी और जो हमारा इंटरव्यू था उससे भी, मैं आपको भी सुनवाता हूँ और ख़ुद भी सुनता हूँ, फ़ैसला नहीं उसका करूँगा, फ़ैसला आप सारे सुनने वाले खुद करिएगा। ये हमारे उस इंटरव्यू के जो आज से तकरीबन तीन साल पहले किया गया था और वो गुज़श्ता रोज़ वाली ऑडियो क्लिप से हमने दोनों को मैच करके आपको दिखाया है। अगर आपको ख़ुद कुछ जजमेंट करना चाहें तो कर लें, मैं जजमेंट इसके ऊपर नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इब्तदाई जुमले मुझे लगता है कि उन्हीं के कहे हुए, आगे जाके मेरे कुछ डाउट्स हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा सुनवाता हूं कि इन दोनों के अंदर क्या आपको लहजे में, डिलीवरी में, पॉज में, स्ट्रेस में मुमासलत लगती है। अपना फ़ैसला आप खुद करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए किसी को और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर फ़ैसला भी करना चाहिए। शीरी मजारी ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शीरी मजारी ने बजाय ये कह देती रिजेक्ट कर देती कम्प्लीटली कि ये सारा कुछ फेक है, जाली है, हकायक से बरखिलाफ़ है, वो किसी से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है, तो ये बातें वो कैसे वो जाके वो सोशल मीडिया के वो बच्चे जो सारा दिन सिर्फ अपने मुखालफीन को गालियाँ निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनसे वो कैसे बात करेंगी। वो बयानियाँ देने की बजाय वो कह रही हैं कि ये तो ऑफिशियल फ़ोन था, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है। मुझे उनकी लॉजिक वैसे ये बात ठीक है कि ऑफिशियल फ़ोन की प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मौके पे तो आपको उस रिकॉर्डिंग को रिजेक्ट करना था, रद्द करना था कि ये तो जाली है, इसका तो हकायक से ताल्लुक ही नहीं है। वो रिजेक्शन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, दिखाइए। फर्स्ट लेडी पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की। और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आईन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है, और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। ये जो शीरी मजारी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझे पता नहीं कि इमरान के भले के लिए थी कि इमरान को फंसाने के लिए थी, क्योंकि इसका मुझे मकसद समझ नहीं आया। दो और ऑडियो है, मैं सुनवा के अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा। मलिक रियाज की जरदारी को टेप दिखाइएगा। हेलो, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे, तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा रहे हैं आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज,
अब इम्पॉसिबल है ना। मरियम नवाज वाला भी सुनाइए। समा को बहुत मौका दिए लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब और जिस तरह की समा की न्यूज़ है अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद हैं। इसके साथ जज अर्शद मलिक की वीडियो शामिल कर लें, इसके साथ चेयरमैन नैब की वीडियो शामिल कर लें, तो पाकिस्तान में अगर तो सारा के उसके ऊपर वो मिट्टी पावर आगे जाना है ना, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम सही तरीके से आगे नहीं चलेगा। इसके ऊपर कोई तहकीकात हो के सज़ा का अमल आगे बढ़ना चाहिए। जज अर्शद मलिक की मैंने एक स्टोरी ऑन एयर बयान की थी और उसके बाद मुझे काउंटर टेररिज्म विंग जो था FIA का उसका नोटिस आ गया था, तो कोई तरीका कार इख्तियार करें बजाय हमें डरा धमका के ज़बानबंदी करने के। कौन है जो ये कर रहा है, हकायक क्या हैं, वो कौम के सामने लाएं, सच्चाई बताएं। जो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारी शख्सियत है तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से, वेरी वार्म वेलकम सर। सेनेटर कामिल अली आगा साहब काफ लीग से हमारे साथ होंगे और शहजाद चौधरी साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और उसका तरीकाकार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं तो बिल्कुल आपकी इस बात से इतफाक़ करता हूँ जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बात की है कि तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए जैसा कि अभी डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सो मोटो एक्शन ले, मैं समझता हूँ कि उस जिम्मेदारी जो है वो हमें अपने इदारों को भी उठानी चाहिए कि हर बात का हम मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से करते हैं और मुतालबे के बाद वो बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा एक फोरम मैं समझता हूँ कि बनने में कोई आर नहीं है कि इस तरह की जो भी टेप्स अगर आती हैं उनकी अथेंटिसिटी, उनका फॉरेंसिक वो होना चाहिए और उसमें क्या कंटेंट्स हैं, वो किस ज़ुमरे में आते हैं, किसको क्या कहा गया है और उसके बाद उस पर क्या एक्शन हुआ है वो भी देखना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल जायज़ है कि क्या इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन है क्या उसको टैप करने की इजाज़त किसी को होनी चाहिए, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, फिर उसके बाद ये रिलीज़ कैसे हो रही है, ये मैकेनिज़्म भी मैं समझता हूँ कि अनफोल्ड होना चाहिए। देखें, अगर फर्स्ट लेडी की जिस तरह आपने भी बताया बुशरा बीबी की, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी जो टेलीफोन लाइन है या उनका जो भी मोड है वो मोबाइल से बात कर रही है, मुझे नहीं पता किस तरह उनकी ये कॉन्वर्सेशन किस लिंक कॉल शीनी मजारी के ये ऑफिशियल फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई है तो वो तो तस्दीक कर रही है इसकी नहीं ऑफिशियल फ़ोन से, खैर वो तो उनकी अपना है, उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल सी गुफ्तगू की है डॉक्टर शीनी मजारी साहिबा ने जिससे कोई चीज़ भी वाज़े नहीं है। लेकिन बहरहाल ये राइट है हर पाकिस्तानी का कि अगर वो चाहता है कि मेरी गुफ्तगू कोई ना सुने तो वो सेफ़ होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इसकी एक्सेस है भी किसी न किसी हवाले से तो ज़ाहिर है वो चंद ही लोग हो सकते हैं जिनकी गुफ्तगू मैटर करती है और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन ओहदों के ऊपर वो लोग जो मुल्क की सलामती से वाबस्ते हैं, जो कोई सेंसिटिव पोस्ट रखते हैं, बाकी आम कॉन्वर्सेशन तो ज़ाहिर है उससे तो किसी को कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या हो रहा है। और इसकी जो अथेंटिसिटी है वो मेरा ख्याल है कि अगर चेक हो तो ये जायज़ बात है और उसके लिए कोई फोरम हमें बैठ के ड्रा करना चाहिए बजाय इसके कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे हम दौड़ते रहें। शहजाद चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो ISI का नाम लेके कहते थे कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं और ठीक करते हैं, जो चोरी करता है वज़ीर आज़म उसको डर होता है, बाकियों को क्या डर है। इसी तरीके से वो कहते थे कि IBB रिकॉर्डिंग करती है, तो ये क्लिप्स जो रिकॉर्ड हो रहे हैं और आ रहे हैं, एक तो बहुत बुरी बात है किसी की प्राइवेसी में घुसना, लेकिन ये क्या कौन करता है और इसका तरीकाकार क्या है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई है या नहीं है? अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि इस शोबे में काम नहीं कर सका तो इसलिए मुझे तो कोई खास इसका उस लिहाज से अंदाज़ा डिटेल नहीं पता होगा, लेकिन चंद बुनियादी उसूल जो हैं वो जो दुनिया में देखे हमने उसके बारे में जिक्र उसका ज़रूर किया जा सकता है। एक तो ये है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको कि आपने हमारे यहाँ कोई 28-34 के करीब हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, इनको आपने जिम्मेदारियां भी दी होती हैं और इनको वो इक्विपमेंट भी दिया होता है। अपने तौर पे कोई एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं है, ये पार्लियामेंट फंड्स एलोकेट करती है, उसके बाद किसी उस खास मकसद के लिए सेक्रेटरी उसको ऑथराइज करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और फिर वो सामान इंपोर्ट किया जाता है या बनाया जाता है या उसकी पेमेंट की जाती है। मकसद बड़ा वाजी और क्लियर होता है कि क्यों पैसा एलोकेट किया जा रहा है और क्यों किस काम के लिए किया जा रहा है। अगर तो बुनियादी तौर पर उसी से इख्तलाफ हो तो कहीं ना कहीं पे कानून साजी के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सेक्रेटरी लेवल पे, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे कोई ना कोई उसके ऊपर ज़रूर वो पॉइंट उठाना चाहिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे, इसमें तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। दूसरी बात जो मैं दुनिया में मैंने देखा है, क्योंकि मैं मगरब में भी मेरा काफ़ी देर रहा हूँ, इंग्लैंड में और इसी किस्म के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अमेरिका में भी,
तो उसके अंदर देखिए जो पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं जिनका तल्लक पब्लिक सर्विस के साथ है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के अहदेदार हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हैं आउट ऑफ यूनिफॉर्म में हैं, उन पे हर वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज की एक नज़र ज़रूर होती है। हम जब यूनिफॉर्म में थे तो हमें ये मालूम होता था कि हमने टेलीफोन पे किस किस्म की गुफ्तगू करनी है, किस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि उसका तल्लक पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, उसका मेरी ज़ाती सिक्योरिटी से तल्लक नहीं। जो हकूक की बात की डॉक्टर तारिक फजल साहब ने, बिल्कुल ठीक बात की, वो आम शहरी का हक है, आम शहरी का, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। हमारा जो आईन है आम शहरी के उस हक को, जो उसकी प्राइवेसी है, उसको इंश्योर कराता है। उसके लिए मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि अमेरिका का सदर जब तक अपने हाथ से कोई साइन ना करे, CIA उसकी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद फ़ोन टैपिंग अमेरिका के अंदर बे इंतहा हद तक होती है, और ख़ास तौर पर जब से ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई, इसका तो कोई अब रुकावट रह ही नहीं गई। तो वो जो एक कानून हम कहते थे कि अमेरिका का सदर, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर की अहलियाँ हैं, क्या उनको इस तरीके से उनका फ़ोन टैप करना चाहिए था? मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि डिपेंड करता है वो कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। अगर तो वो प्राइवेट सिटीज़न हैं, प्राइवेट सिटीज़न है, फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ, मिसाल के तौर पर मेरे घर में जब मैं यूनिफॉर्म में हूँ तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब लोग टेलीफोन उसी टेलीफोन को इस्तेमाल करेंगे या टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे, तो गाँव गो के मुझे भी बहुत केयरफुल होना चाहिए और पड़ा मुझे ख्याल रखना चाहिए कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले अपने घर के अंदर। लेकिन क्या मेरे घर से कोई फ़र्द ऐसी बात करने की एहलियत या एक्सेस रखता है? तो ये मामला बहुत ही टची और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जहाँ पर कानून के पास फिर भी ताकत है, फिर भी कैपेसिटी है कि वो अगर आपको मामला लेके जाता है अदालत के अंदर, तो अदालत उसको क्वेश्चन कर सकती है और उन लोगों को जिन्होंने कानून को तोड़ा है उनको सामने कटहरे में लाके खड़ा कर सकती है। ये बहुत सेंसिटिव, बड़ा ग्रे एरिया है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ग्रे एरिया है। दुनिया भर की कामिल अली आगा साहब, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, मतलब खबर का एक इजाफी हिस्सा साथ ये है कि इमरान खान की आज़म खान के साथ कोई गुफ्तगू है जहाँ पर वो उस मरासले का तस्करा करते हैं कि अब इसको इस्तेमाल करना है, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं रह गया, इत्तेहादी तो साथ छोड़ गए, तो पता नहीं कल को वो भी कोई वीडियो या ऑडियो कोई ऐसी चीज़ सामने हमारे आ जाए, तो कोई चेक एंड बैलेंस का कुछ तो तरीकाकार होगा कि खुला खाता होता है सर, इस पर कुछ रोशनी तो डालें आप, पार्लियामेंटेरियन है, कुछ तो पता होगा। सबसे पहले तो मैं अपना सलाम मुअद्दबाना पेश करता हूँ पार्टिसिपेंट्स को, और फिर वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुजारिश मलिक साहब ये है कि मेरे यकीन और इल्म के मुताबिक ये कॉन्फिडेंशियल मामला है और प्राइवेसी है, और प्राइवेसी को इंटरप्ट करना और उसके अंदर दखल देना ये इस्लामी रवायात के मुताबिक भी जो है वो कतई तौर पे एक जुर्म करार दिया हुआ है। हज़रत उमर ने एक फैसला, किसी गवाही, कोई साहब ने, किसी ने गवाही दी और घर के अंदर झांकने की बात की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े क्लियर अल्फाज में फरमाया कि ये गवाही काबिले कबूल ही नहीं है। इसलिए काबिले कबूल नहीं है कि ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता वो किसी के घर के अंदर झांके। तो ये बड़े वाज़े तौर पे मैं समझता हूँ कि वो अल्फाज हैं जो कि दीन के अंदर भी इसको नापसंद किया गया है और जुर्म करार दिया गया है और उसकी गवाही को रद्द कर दिया गया है। और हमारे आइन के मुताबिक तो ये बिल्कुल, चौधरी साहब ने भी सही दुरुस्त फरमाया, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आइन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। और फिर मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके इलम में होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो बड़े वाज़े अल्फाज में कदगन लगाई कि ये जो टेप करने का सिलसिला है किसी की टेलीफोन को, इस बात की किसी एजेंसी को और किसी इदारे को इजाज़त नहीं दी जा सकती और मना कर दिया। वैसे भी आईएनए पाकिस्तान इसके ऊपर कदगन लगाता है तो किसी सूरत में भी ये नहीं होना चाहिए। और इसका ये बात, आपका सवाल दुरुस्त है कि ये इसका क्या, इसका
तदारक क्या हो सकता है, ये तो कोई नई बात नहीं है और ये एक बहुत दफ़ा ये जेरे बास बहस भी आई और कई दफ़ा हर हुकूमत के आने के बाद और जाने के बाद दुरान हुकूमत ये कई किस्म के मामला जो है चलते रहते हैं और एतराज़ात भी उठते रहते हैं। इसके मतलब मेरे ख़्याल में एक दफ़ा इसका बड़ा वाज़े एक डिसीजन आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने डिसीजन की रोशनी में, अपनी रूलिंग की रोशनी में इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और फिर दुरुस्त है, एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करेंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये जो फसाद वाली कैफियत है जिसके अंदर ये ऑडियो वीडियोस भी आती हैं, तो इसका कोई तरीकाकार, कहीं एंड स्टोरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई सज़ा, कुछ तो वजह होना चाहिए कि बस जाने दें, बहस किए एक प्रोग्राम और उसके बाद चैप्टर बंद, अगला प्रोग्राम शुरू। मैंने सर देखें, हम जब ये बात करते हैं और जिस तरह के अभी हमारे दीगर भी जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मुल्क का आइन ये कहता है, बुनियादी इंसानी हकूक वो कहते हैं, तो असल बात तो ये है कि ये हम एक उस मुआशरे की बात कर रहे हैं जहाँ कानून की पासदारी हो, जहाँ आइन की अलमदारी हो और जहाँ पे जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका तहफ़ुज़ है उसको यकीनी बनाए, रियासत भी यकीनी बनाए और आपका निज़ाम भी उसको यकीनी बनाए। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें हमारे मुआशरे में एग्जिस्ट नहीं करती, ना आपको कोई ह्यूमन राइट्स की जनाब कोई उसका कोई तकद्दस का किसी जगह की ओर आपको ख्याल नज़र आता है। बाकी आइन और कानून तो वही है जिसको आप ये कहें कि मतलब मुझे ये बात कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की टाइप का मुल्क सिस्टम आपको मुल्क में नज़र आ रहा है। अभी जो आपने अपने प्रोग्राम की इब्तदाई गुफ्तगू में फरमाया, ये दो बातें इतनी ज़बरदस्त आपने की और इमरान खान साहब जो आपने बात की, यानी वो अब सियासत सियासत के अंदाज से करें ना। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मज़हब अलग है और सियासत अलग है, चूँकि हमारा जो मुल्क बना वो एक नज़रिए पर बना और वो इस्लामी नज़रिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नज़रिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, लेकिन आपकी पार्टी भी गिल्टी रही है, आईजीआई यही मॉडल था। सर, हमारी पार्टी गिल्टी से ज़्यादा विक्टिम रही है, नहीं, लेकिन आईजीआई और, मॉडल था। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने जब हम दौरे हुकूमत में थे उस वक्त जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया वो भी आपने देखा, और अब भी अगर आप अपनी एक अवामी मकबूलियत चाहते हैं और उसके लिए आप मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मज़हब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो बात आपको अभी दूसरी दफ़ा आप देखेंगे, दूसरी दफ़ा अभी अमेरिका से आपका डिनाइल आया है कि किसी तरह की कोई साजिश नहीं हुई और खुदा का वास्ता है हमें इस चीज़ से अलग रखें। आप एक सुपर पावर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस मुआशरे की आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसमें भी बात पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के इस झूठ को भी साथ सियासत को गुजरने की जरूरत नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बड़े मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है कि ये बड़ा संजीदा इशू है और इसको इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। आप इसको अगर सियासत बनाएंगे तो मैं 50 जवाब दे दूंगा डॉक्टर साहब को, तो वो नाराज़ होंगे और ये सारी रवायात जी किसने डाली हुई हैं। बात यह, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको फॉर एवर, इसको इस निज़ाम को, इस जो ये तरीकाकार है, तर्ज़ अमल है, इसके छुटकारे का क्या तरीका है। अब दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, फॉरेंसिक साइंस इनकी करवाई जाए, जितने माजी करीब के अंदर टेपे हैं और जो अपना आश्कार की गई किसी न किसी वजह से, उनको फॉरेंसिक कराया जाए और उसके बाद देखने के वाली दो चीज़ें होंगी। मलिक साहब, बड़ी संजीदा बात है। एक बात यह है कि एक तो सिक्योरिटी अदारों को, एजेंसीज़ को और इंटेलिजेंस अदारों को पर तो कदगर नहीं लगाई जा सकती कि वो अगर नेशनल सिक्योरिटी के सिलसिले में कोई टेप करते हैं तो वो इस तरीके से टेलीविज़न के ऊपर अवेज़ा नहीं की जा सकती, ना की जाती रही हैं, ना की जानी चाहिए। और अगर ये प्राइवेटली की जा रही हैं तो वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी सज़ा भी मौजूद है, वो ट्रेसपास के ज़ुमरे में भी आता है, उसकी सज़ा भी पिनल कोड में मौजूद है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है, बड़ी संजीदा, अगर नेशनल सिक्योरिटी के अदारे और इंटेलिजेंस के अदारे वो अगर इनको किसी सियासी मकासद के लिए लीक कर रहे हैं और किसी को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो उसकी इंक्वायरी बड़ी ज़ोरदार तरीके से होनी चाहिए और जो लोग साबित हो जाए कि उन्होंने एक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए
एक बड़े मकसद के लिए टेप की और उसको वहाँ पे अगर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो उसको आश्कार कर दिया किसी को के की सियासत को चमकाने के लिए, तो उसका नोटिस भी लिया जाना चाहिए ताकि ये हमेशा शहजाद चौधरी साहब को भी इसमें शामिल कर खत्म हो जाए। शहजाद चौधरी साहब ये वाले प्रॉब्लम जो बड़ा सीरियस मैटर है जो ये वाले प्रॉब्लम जो है हर किसी को है उसके अंदर सोशल मीडिया टीम के जिन लोगों का जिससे बात हो रही है जिस तरह के लोगों का जिक्र हो रहा है हम सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं। मेरा दिल जो किसी सूरत नहीं मानता कि मुझे तंकीद करनी होती है तो मैं यहाँ ऑनियर बैठ के कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, उनका हुकूमत बनाने गिराने में रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिटिंग आर्मी चीफ के लिए कोई मीर जाफर या मीर सादे के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो ट्रेंड बना के चलाए जाते हैं वो भी जुल्म है। फिर कोई जर्नलिस्ट उठता है तकरीर करता है उसको मार पड़ जाती है, वो जो अयाज मीर के साथ हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप नज़रअंदाज करके आगे गुजर जाए, और पहला वाक़ भी नहीं है, कभी वो मतीउल्लाह जान को मार पड़ जाती है, कभी अफसार को गोली पड़ जाती है, कभी असर तूर को मार जाता है, तो एक से बढ़कर एक अनोखा वाक़ा पाकिस्तान में हो रहा है। आपकी फ़ौज जो है वादी उसके ऊपर ट्रेंड बना के चलाते हैं कि ये इनका पाकिस्तान के साथ मफाद नहीं रहेगा, न्यूट्रल के नाम के ऊपर जो कुछ आगे लिखा होता है, कोई तरीकाकार कुछ तो सुलझा हुआ होना चाहिए इसके ऊपर हमारे लीडर का इत्तेफाक हो कि ये रेड लाइन है। शहजाद देखिए मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि तमाम जो साइड्स हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर आज पाकिस्तान में, मीडिया भी समझ लीजिए उसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, ये सब के सब मेजर स्टेक होल्डर्स ना कहूँ तो प्लेयर ज़रूर हैं इस हमारी सियासी मंजरनामे के। इसके अंदर पिछले 5 साल से जिसको सबसे ज़्यादा तजहीक और गाली का निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान की अफवाज है। तो मेरा ख्याल है कि और उसके बाद आपने ये भी देखा कि वॉर ऑन टेरर उससे पहले चल रही थी, फिर आपने ये भी देखा कि बाहर बैठ के लोग किस किस्म के ट्रेंड्स चलाते हैं पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, इंडिया का वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन ने एक सेल और एक निज़ाम निकला जिसने कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या बोहतान और किस किस्म से गुफ्तगू यहाँ पर नहीं चलाई गई, और अभी भी अभी भी चल रही है। हमने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात की, बल्कि एक सहाफ़ी हमारे जो है उन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर एक बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कहा कि अब आपका मुकाबला टक्कर के लोगों के साथ है, कह रहे मेरे छोटे भाई हैं वो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम इस माहौल में आए हुए हैं। साथ ही साथ आप माशी मामला देख लीजिए, साथ ही साथ आप उस सियासी इंतशार को देख लीजिए जो कि आपका इस मंजरनामे के एक्चुअली बना रहा है और लीड कर रहा है। शहजाद साहब आपको ये नहीं लगा कि इदारे से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई? आपने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का तस्करा किया तो जो व्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ट्रेन किए गए थे इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, उनकी तरबियत गाह कहाँ थी? मैं ऑन एयर बोल नहीं सकता लेकिन आपको मालूम होगा, और उस तरबियत का नतीजा ये है कि वही लोग जिनको तरबियत दी गई थी फिफ्थ जनरेशन के नाम के ऊपर वो आपकी फ़ौज को जिस तरीके से जो कुछ कह रहे हैं मैं वो अल्फाज ऑन एयर दोहरा नहीं सकता, ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है, ये अपनी फ़ौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान का मफाद बिल्कुल नहीं है। अपनी फौज के किसी जनरल को ये कहना कि वो मीर जाफर से तशबीह देना ये पाकिस्तान का मफाद नहीं है, इसलिए मैं उस बयानी का मुखालिफ हूँ, लेकिन मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करके आगे गलतियों की निशानदेही करके आगे चलना चाहिए। हमें आगे मैं थोड़ा सा जरा इससे आगे बढ़ाना चाहता हूँ बात को, बड़ा आसान है आज पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खासतौर पर आई एस आई का नाम ले लेते हैं, इसमें क्या बात है, आई बी भी ये काम करता है लेकिन आई एस आई का नाम ले लेते हैं, उन सबको सामने रख के हम फ्रेम करें उनको और कहें कि देखे जी इन टेपों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितना, मुझे रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा तंग करता है पाकिस्तान के अंदर कि रूल ऑफ लॉ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे मिजाज का हिस्सा क्यों नहीं है, क्यों कानून के सामने इतना खिलवाड़ कर जाते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर माशरे में देखना पड़ता है कि कौन कौन करता है इस खिलवाड़ रूल ऑफ लॉ के साथ। तो फिर मेरा ख्याल ये आता है कि यार ये तो हम सबके सब जिसको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, चाहे मैं अगर किसी से को मुझसे कमतर है तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे पास सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और को हमारा वजीर आजम है तो वो समझता है बहुत ज़्यादा एंटाइटलमेंट है, हमारे पार्लियामेंट हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप किस किस किस्म की एंटाइटलमेंट नहीं है। तो जब आपके यहाँ पूरे का पूरा सर, मैं स्पेसिफिक थोड़ा सा करने की कोशिश करूँ गुफ्तगू को, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर एक इदारा अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे, एक आईएसआई अपनी हदूद में रहे तो फिर ये वायोलेशंस कम होंगी? मेरी बात सुन ले, मुझे भी जरा बात कर लेने देना, मेरे साथी दो बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ के मेरी पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एक्स फॉर्मर मिलिट्री मैन मुझे भी बात कर लें। बात ये कहने का ये है कि मेरा ख्याल है कि हम सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक मिजाज इस माशरे में रूल ऑफ लॉ का आएगा,
हाँ ये नहीं हो सकता कि मेरे पास 8 गाड़ियां हैं तो मैं रेड ट्रैफिक लाइट तोड़ के जा सकता हूं, बाकी सारे आगे पीछे हट जाओ, हटो बच्चों वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब मिजाज इस तरह का आएगा तो कोई माई का लाल किसी यूनिफॉर्म में किसी दफ्तर में बैठा हुआ ये हिम्मत नहीं करेगा जब तक उसको कवर नहीं होगा। लेकिन अगर हर के पास जिसके पास एंटाइटलमेंट और ताकत है और वो अपना कानून खुद बनाएगा और खुद फॉलो करेगा तो फिर वही कुछ होगा जिसके बारे में मैं भी परेशान हूँ, तारिक फजल भी परेशान है और आगा साहब भी परेशान है। मेरे ख्याल में इसको तीसरी एक फाइनल बात मुझे कहने दीजिए इस जिम्मेदारी का, वो कह रहे थे ना कि हमें 100 मोटो लेना चाहिए। मैं समझता हूँ आगा साहब आप तो शायद मेरा ख्याल है नहीं आई थिंक यू आर इन दी यू आर एन एम एन ए उधर है नेशनल असेंबली में, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंट का काम है, आप हाजिर करें उसको उन इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों को और बोलें कि जी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये अदालत को मत दें, अपनी ताकत अदालत को मत सीट करें और हैंड ओवर मत करें, आप जवाब दे ही कराएं लोगों। अच्छा, आपने जवाब तारिक साहब से पहले पूछ लें क्योंकि तारिक साहब ने भी ये बात पहले कही है कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट पे डालने की बजाय हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के भी कुछ कर सकते हैं। आप ही पहले बताइए क्या करना चाहिए पार्लियामेंट को। देखिए इसके ऊपर कानून साजी हो सकती है और कानून साजी पहले है, कानून पे ड्रामा नहीं हम कर सकते। आप स्टैंडिंग कमेटी में पहले तो उन ऑफिशियल्स को बुलाएं, पूछे किस किस ने रिकॉर्डिंग की थी। कुछ कवानीन तो बिल्कुल मौजूद है जैसा कि फॉरेंसिक भी करवाएं, टेप का फॉरेंसिक भी हो सकती है, आपकी जो है आपकी जो प्राइवेसी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कानून मौजूद है। लेकिन बात ये है कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं और ख़ास तौर पे पिछले जिन क्राइसिस से हम गुजरते रहे, मैं सिक्योरिटी वाइज बात कर रहा हूँ, यकीनन कुछ अफराद की जो मखसूस सेंसिटिव उहदों के ऊपर फाइज हैं उनको आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ये एक हकीकत है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कब आप वो हद क्रॉस करते हैं और इस आप ये कहें कि इसकी आड़ लेते हुए या इसकी इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करते हुए कब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं, ये बहुत एक मुश्किल सवाल है और ये बड़ा एक बारीक लाइन है। और अक्सर यही हो रहा है जो आपको ये सारी आपका टॉपिक आज आपका प्रोग्राम का है कि उनको जैसे कि अभी शहजाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि जब मैं यूनिफॉर्म में था तो मेरी हर एक्टिविटी मेरी हर गुफ्तगु वो मॉनिटर अगर हो रही है और तो करना ज़रूरी है, उन्होंने खुद कहा। ये वाइट टैप कोई ऑथोराइज कौन करता है और उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग या चेक है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि कौन ऑथोराइज करता है कि तारिक फजल की रिकॉर्डिंग करनी है और कौन ऑथोराइजेशन उसका चेक कौन है उसके ऊपर, इसकी ऑथोराइजेशन की किसकी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, देखें और उसके ऊपर चेक कौन है, वो वायलेट करता है तो उसकी सजा क्या है, वायलेट करता है और किस हद तक, मैंने कहा ना वो जो एक लिमिट है उसे क्रॉस करना। और सबसे बड़ी बात मल साहब, आप कितनी ही सेंसिटिव पोजिशन के ऊपर हो, आपकी प्राइवेट लाइफ भी है, क्या आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर रह के अपनी जिंदगी जो है वो चंद लम्हात ही उस तरीके से गुजारना चाहें जो आपका दिल करे या जो आपकी अपनी एक प्राइवेसी है। अगर आप उस प्राइवेसी के अंदर भी घुस जाएंगे तो मेरा ख्याल है एक आम आदमी का और उस फर्द की जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंसिटिव पोजीशन की, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर साहब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एड्रेस करना चाहिए वो आपको पूरे मिडल ईस्ट की अरब स्प्रिंग की सूरत हाल देखते हुए आपको एड्रेस करना चाहिए, अगर आप फौज को वीक करें या इदारों को इस तरीके से उनकी तजहीक करें और उनको उन अल्फाज से पुकारें जो नहीं पुकारे जाने चाहिए, उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आप जितनी दफ़ा बोलेंगे मैं कहूंगा आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप तजहीक करके कमज़ोर करके उनको अटैक करके डिफेंसिव पे ला के वो उनकी खिदमत कर रहे हैं या मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। नदीम मलिक अगर मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है और उससे बड़ा मुजरम कोई नहीं है जो अपने मुल्क बिलखसूस पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान और जो हालात रहे हैं इस मुल्क के अंदर और जो जो चैलेंजेस रहे हैं उनको देखते हुए, ये तो आम ममालिक के मुकाबले में कोई मेरे ख्याल में 100 दर्जे ज़्यादा पाकिस्तान की अफवाज की अहमियत है और उनकी कुर्बानी है, और जो उसको कमज़ोर करना चाहता है वो मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है, वो मुल्क का गद्दार है, फौज का गद्दार नहीं है, मुल्क का गद्दार है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, उसको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जो बात हो रही है उसके अंदर बारीक लाइन कोई नहीं रह गई, ये जो बात कर रहे हैं मेरे भाई ये बारीक लाइन वाली कोई बात नहीं रह गई, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये कई मरतबा सैकड़ों मरतबा ये इशू सामने आया और चीज़ें सामने आईं और फिर दब गई। वक़्त के ऊपर जिसको फ़ायदा मिलना था उसको फ़ायदा मिल गया, जिसको नुकसान होना था उसको नुकसान हो गया और मीडिया ट्रायल भी हो गया उसका, उसके बाद वो चीज़ें दब गई और कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं हुआ। अब बात रही कि इसके ऊपर कानून साजी, हाँ कानून साजी की हर वक्त ज़रूरत रहती है, कानून के अंदर बेहतरी की भी हर वक्त ज़रूरत रहती है, कोई कानून हरफ आखर नहीं होता, उसके बाद
مزید وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, لیکن اس کے اوپر تو قوانین موجود ہیں. جو قوانین موجود ہیں اور رولنگز موجود ہیں اس کی روشنی میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رولنگ دی ہوئی ہے. جب رولنگ دی ہوئی ہے تو عام معاملات کے اندر اگر سوا موٹو ہو سکتا ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آج اگر کوئی اگر کسی ایجنسی نے فرض کر لے, کوئی میں تنقید کے سے مبرہ کسی کو نہیں سمجھتا, افواج پاکستان کے اوپر بھی تنقید ہونی چاہیے اگر کسی جگہ پہ نیشنل سیکیورٹی کے میں وہ ان کی کمزوری نظر آتی ہے یا جان بوجھ کے کمزوری نظر آتی ہے تو ہر شہری کا کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ تنقید کرے. لیکن اگر غلط ہو رہا ہو اس نیت سے نہیں کہ فوج پاکستان کو کمزور کرنا ہے, اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے. اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ادارے جو ہیں اگر کوئی کمی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تنقید کر کے اس کی اصلاح کی جائے. اس نیت سے ہر شہری کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے, اور کسی ادارے کو مبرہ نہیں ہونا چاہیے تنقید سے. تنقید برائے اصلاح ضروری ہوتی ہے, میرے اوپر بھی, آپ کے اوپر بھی, اداروں کے اوپر بھی. لیکن شہزاد چودھری صاحب سے بھی اس کا جواب میں لوں گا. شہزاد صاحب آپ فرمائیے گا, اگر حکومت بنانے میں یا گرانے میں آپ کے ادارے کسی کا رول سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر بات کرنا وہ قومی مفاد کے, میرے تو ذاتی رائے پوچھے تو مطابق ہے, لیکن میں آپ کی رائے سننا چاہوں گا. کوئی سیاسی حکومت بنانے یا گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہو سکتا, کسی کا نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات یہ, اس کے اندر اگر کردار نظر آئے تو تنقید کرنا جائز ہے یا نہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, ٹیپ والی بات ہے کہ اگر تو ٹیپ اوتھینٹک ہے اور اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اوتھینٹک ٹیپ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا شخص جو کہ غیر سیاسی سمجھا گیا ہمیشہ لیکن وہ سیاسی عمل دخل کا حصہ بنتا جا رہا ہے تو پھر اس کو تو سیاسی ہی سمجھا جائے گا. اور جب بھی کوئی شخص ادارہ جو سب یہ معاملات سلجھائے گا اور سارٹ آؤٹ کرے گی, عدالت کرے گی نا, پارلیمنٹ تو فرانزک نہیں کرا سکتی, پارلیمنٹ تو نہیں کرا سکتی. میں نے تو عدالت کرائے گی. میں نے اس لیے بہت بڑا اگر کا لفظ بولا, پارلیمنٹ بھی کرا سکتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آتھورائز کر سکتی ہے کسی ادارے کو. اگر والی بات نہیں رہ جاتی نا اس میں, اگر والی بات نہیں رہ جاتی. چلیں میں اس کو واپس ادارے پہ لے جاتا ہوں, واپس ادارے پہ. شہزاد صاحب تو جو بھی سیاست کے میدان میں کودے گا تو وہ پھر سیاسی سمجھا جائے گا, اور سیاست جو ہے اس کے اوپر ہر ایک کا حق بنتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, آپ پبلک سروس کا حصہ جب بنتے ہیں تو آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی ایسی اس میں ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے جو کہ سیاست کے زمرے میں آئے گی تو آپ کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوگا, کمنٹری بھی ہوگی, اور آپ کو تو یہ ایک سبق سیکھنے والا ہے ہماری افواج کے لیے کہ پچھلے 5 سال انہوں نے گالیاں کھائی ہیں, چاہے ون پیج پہ ہو کے یا ون پیج سے ہٹ کے یا ابھی کسی اور کے ساتھ ون پیج پہ جا کے. تو یہ کوئی پیج ہٹنا یا رونا کسی بھی طریقے سے, ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان اتنی مشکل کے اندر ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن سبق یہ سیکھنا ہے کہ اس نے ہیلپ نہیں کیا, اس نے آپ کو نقصان پہنچایا, اس لیے آپ کو قدم پیچھے ہٹانا ہے, اور یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا ہمیں, ورنہ یہ تو آپ ایک لائن میں صرف تعریف فضل صاحب, پروگرام بالکل اینڈ ہو گئے ایک لائن میں. دیکھیے تمام آپ کے پروگرام کا کریکس یہی ہے کہ اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابو پارٹی لائنز ایک کنسنسس ہونا چاہیے, جو قانون موجود ہیں ان کی عملداری کو یقینی بنانا چاہیے, اور جس جگہ آپ سکم محسوس کرتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں, وہاں آئیں مل کے قانون سازی کریں تاکہ آئندہ یہ آپ کو یہ شکایت کسی بھی پارلیمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم اس کے علاوہ ہر اس ایشو کے لیے تیار ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, کاملہ لیاقت صاحب اور شہزاد چودھری صاحب, شکریہ آج کے لیے, اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.